बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालेवालिया ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी से बैन हटाने के बावजूद भी थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो रही। कोलकाता के स्थानीय प्रशासन थिएटर मालिकों को धमकी मिल रही है, स्क्रीनिंग करने पर उन्हें दंडात्मक कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। राज्य सरकार अपनी मनमानी चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया था। इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी थिएटर मालिक इसकी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे, जिसके बाद से यहां पर कोई भी दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी थिएटर्स ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग नहीं की। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को शांति बनाए रखने के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने दावा किया कि अगर इसे प्रदर्शित किया गया तो उससे सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका थी। ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी को एक विकृत फिल्म बताया, जिसका उद्देश्य दक्षिण राज्य को बदनाम करना है। इसके बाद द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म एक काल्पनिक संस्करण थी और इस्लाम में परिवर्तित होने वाली महिलाओं की संख्या के दावों का कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है और इसी के वजह से इसके स्क्रीनिंग की अनुमति दी थी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में स्क्रीनिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।